मारुति सुजुकी हर महीने भारत में सबसे ज्यादा कारों की बिक्री करती है। पिछले महीने यानी फरवरी 2023 में भी मारुति की कारों ने टॉप 5 में अपनी जगह बनाई। इसके साथ ही टाटा नेक्सन और टॉप 5 बेस्ट सेलिंग कारों की सूची से बाहर हो गई है। हर बार की तरह मारुति बलेनो फरवरी 2023 में कंपनी की बेस्ट सेलिंग नंबर 1 कार रही। पिछले महीने मारुति बलेनो की 18,592 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की गई। जनवरी 2023 में मारुति बलेनो की बिक्री 16,357 यूनिट्स की बिक्री हुई थी। फरवरी 2022 में मारुति बलेनो की 12,570 यूनिट्स की बिक्री हुई थी। मारुति सुजुकी स्विफ्ट कंपनी की टॉप सेलिंग कारों की सूची में दूसरे नंबर पर रही। पिछले महीने कंपनी ने मारुति स्विफ्ट की 18,412 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। पिछले साल फरवरी में मारुति सुजुकी स्विफ्ट की 19,202 यूनिट्स की बिक्री हुई थी। कभी मारुति की टॉप सेलिंग कार रहने वाली ऑल्टो अब कंपनी की बिक्री लिस्ट में तीसरे स्थान पर है। पिछले महीने मारुति ने ऑल्टो हैचबैक की 18,114 यूनिट्स की बिक्री की। वहीं इस साल जनवरी में कंपनी ने ऑल्टो की 21,450 यूनिट्स की बिक्री की थी। ऑल्टो की बिक्री में मामूली गिरावट देखने को मिली है। नई जनरेशन मारुति सुजुकी वैगनार ग्राहकों को खूब पसंद आ रही है। कंपनी ने पिछले महीने भारत में इस बॉक्सी हैचबैक की 16,889 यूनिट्स की बिक्री दर्ज कराई है। हालांकि जनवरी 2023 में बेचे गए 20,466 यूनिट के मुकाबले बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है। मारुति सुजुकी डिजायर भारत में सबसे अधिक बिकने वाली कॉम्पैक्ट सेडान है। फरवरी 2023 में कंपनी ने डिजायर की 16,798 यूनिट्स की बिक्री की है। इस साल जनवरी में मारुति डिजायर की 11,317 यूनिट्स की बिक्री हुई थी।